खोजा ने भगवान को नहीं देखा। इस कथा को ध्यान से सुन। खोजा ने भगवान को नहीं देखा, भगवान की नजर खोजा पर गई। खोजा एक दासी थी, शरेंद्री थी, जो राजा कंस को चंदन लगाती थी और चंदन निकाल करके ले जा रही थी। बड़ी तेज गति से, तीन जगह से वो टेढ़ी थी, इसलिए उसका एक नाम त्रिवक्रा भी था। तो महाराज वो चली जा रही थी और उसको जाते हुए देख करके भगवान श्याम सुंदर ने उसको पुकारा, का तुम बरोर वे तदुहानुलेपनम कस्यांगिने वा कथयस् साधुना। हे सुंदरी, तुम कौन हो? ये सुंदर सुगंधित द्रव्य चंदन लेकर के तुम किधर जा रही हो? जब उसको किसी ने सुंदर कहा तो उसने पलट करके उसको देखा, ये कौन है जो मुझ जैसी त्रिवक्रा को सुंदर कह रहा है? और जिसने उसे सुंदर कहा था वो त्रिभुवन सुंदर था, अद्भुत सुंदर था। और उसने देहिया वयो रंग विलेप मुत्तमम, गोविंद ने कहा, ये चंदन जो तुम लेकर के जा रही हो, क्या ये चंदन का प्रसाद मुझे भी मिल सकता है? तो कुब्जा ने उत्तर दिया, दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मताम त्रिवक्रनामायनुलेप कर्मणि। मेरा त्रिवक्रा नाम है, मैं कंस की दासी हूं, ये चंदन कंस को ही लेकर के जा रही। शास्त्र तो ये कहते हैं कि चंदन तो है ईश्वर तुम्हारे लिए ही बना है, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं ये चंदन अहंकार के प्रतीक कंस को लगाती हूं। अब आप मिल गए तो मुझे किसी का डर नहीं। और फिर गोविंद को उसने खूब सजाया, खूब चंदन लगाया, खूब फूल बनाए, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया गोविंद का। और जो भगवान का श्रृंगार करता है भगवान उसका श्रृंगार कर देते। कहा तुम सीधी खड़ी हो जाओ। कहा कैसे खड़े हो? तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरणों के जो तलवे थे उसके अगले पांव पर रख दिए और थोड़ी पर ऐसे हाथ लगाया। कहा सीधे खड़े। जैसे ऐसे किया चट चट की तीन आवाज आई और सीधे खड़ी हो गई और ऐसी त्रिभुवन सुंदरी के रूप में जगमगा उठा। यह है भगवान की कृपा। अब तो महाराज सारी मथुरा नगरी में हल्ला हो गया, सभी नारियां झांक झांक करके देखने लगी। कहा कि अब अगर सुंदर बनना हो तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, इनको देखो और इनको देख करके सुंदर हो जाओगे। सवन को देखने के लिए आ गई। अतिशय आनंद हुआ भगवान का। सभी ने निकल निकल करके, सेठों ने, साहूकारों ने निकल निकल करके गोविंद की आरती उतारी है, मिष्ठान खिलाए हैं, माताओं ने दूध पिलाया है। और दूध पिलाते हुए माताएं कहती हैं कि बुरा मानो ना मानो, यही देवकी का बेटा है। जब देवकी छोटी थी ना ऐसी लगती थी, ये देवकी का ही बेटा है, अब कंस का वध होने वाला है। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल शिखाओं के साथ में परिभ्रमण करते हुए वहां चले गए जहां पर धनुष रखा हुआ था। और वहां पर जो पहरेदार थे लगे हुए थे कि भाई उनको कुछ करने नहीं देना है, उन सबके देखते देखते गोविंद धनुष के पास पहुंच गए। कहा भैया, बोले हाँ क्या बात है? बोले जरा धनुष को देख ले। कहा देख लो। कहा उठा ले। कहा उठा लो। जिस धनुष को बड़े बड़े लोग छू नहीं सकते थे, स्पर्श नहीं कर सकते थे, मेरे गोविंद ने क्या किया? करेण बामे ने शलील मूर्ति। सत्यम चक्रित्वा निमिषेण पश्य। सत्यम चक्रित्वा निणाम्बिकेश प्रभवंज मद्यतो। निणाम्बिकेश प्रभवंज मद्यतो यथेच्छुदण्डं मदकरयुरु। यथेच्छुदण्डं मद करियो करेण वामे शलील मोदकम्। करेण वामे शलील मोदकम्। भगवान श्याम सुंदर ने खेल खेल में बाएं हाथ से उस धनुष को उठा लिया। करेण वामे शलील मुद्रितम और सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। उसकी प्रतंचा को जो ही ऊपर चढ़ाया तो देखते ही देखते यथेच्छुदण्डम, जैसे कोई गन्ने को तोड़ देता है, ऐसे ही मेरे गोविंद ने उस धनुष को तोड़ करके वहीं पर डाल दिया।
जितने भी उसकी रखवाली में लगे हुए वहां पर पहरेदार थे, सारे के सारे पहरेदारों ने गोविंद के ऊपर आक्रमण कर दिया। बलराम और श्री कृष्ण ने मिनटों मिनटों में उनकी छुट्टी कर दी, परम धाम पहुंचा दिया। दौड़े दौड़े लोग कंस के पास में गए, कहा कि महाराज महाराज अनर्थ हो गया। बोले आवाज किस चीज की आई, पृथ्वी क्यों हिली? बोले महाराज धनुष टूट गया। बोले धनुष टूट गया, क्या कर रहे हैं वहां पहरेदारों को क्यों नहीं कहा? कहा महाराज वो भी मारे गए। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणाम सबलस्य च वधम निशम्य गोविंद राम विक्रीडितम परम। श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा खेल खेल में ही वो सारे के सारे योद्धा पहरेदार मारे गए। कंस रो उठा, कहा इसका मतलब मेरा भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस खत्म, मेरी मृत्यु अब सुनिश्चित है, अब कोई बचा नहीं सकता। कंस भयानक कृष्ण के वियोग में रो उठा, नीले पर्दों को देखता है, तलवार चला देता है, फाड़ दो उन्हें, इन्हीं में गोविंद है। पानी में देखा कुछ कालापन दिखाई पड़ा, काला है काला, ऐसे फेंको, इसमें गोविंद, से भोजन में, सब्जी में, पर्दों में, आदमियों में, सब में गोविंद नजर आ रहे थे। क्योंकि भयात कंसा ये न केनापि प्रकारेण संयोजय, कैसे भी तुम्हारा भगवान में स्मृति दिल में आ जाए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो कंस ने भय के कारण भगवान कृष्ण को स्मरण किया ताकि उसका उद्धार हो जाए। दूसरे दिन उसने पूरी तैयारी कर रखी थी और तैयारी यह थी कि विशाल मैदान के बीच में एक अखाड़ा खोदा गया था, किनारे पर कंस का रंगमंच सजाया गया था जिस पर उसका रथ रखा हुआ था, और उस कुश्ती उस दंगल में चारों तरफ से बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया गया था, सल तोसल मुष्टिक चाड़ूर सब वहां पर बैठे हुए थे तैयारी करके, इन्हीं के द्वारा कृष्ण और बलराम को मरवा दिया जाएगा। और उस दरवाजे पर, जिस दरवाजे से आना था, वहां पर 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले मदमस्त कुबलयापीड नामक हाथी को लगाया गया था। गोविंद को मालूम था कि कुछ होने वाला है, उन्होंने सोचा अगर बाबा के सामने सब कुछ होगा तो दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप बुजुर्ग हो, थोड़ा धीरे धीरे आप चलोगे, हम लोग तो बच्चे हैं, खेलते कूदते अभी आते हैं, आप जाओ बैठो वहां पर, हम आते हैं, हमारे लिए भी कुर्सी रख लेना। नंद बाबा गए और वहां पर जो मचान जो कुर्सियां बैठी हुई थी उनमें नंद बाबा बैठ गए, अगल बगल दाएं बाएं कृष्ण और बलराम के लिए जगह रख ली, सारे लोग बैठे हुए, तैयारियां चल रही हैं। और भगवान कृष्ण और बलराम रास्ते से दरवाजे से आए, दरवाजे पर 10,000 हाथियों का मदमस्त हाथी कुबलया पीड़ा हाथी था, उसको शराब पिला दी गई थी, महारथी ऊपर बैठा हुआ था और चाबुक मार रहा था, कह रहा था कि इसको रौंद दो। और जीव ही कृष्ण ने निकलने वाले रास्ते में जब खड़े हुए उस हाथी को देखा, अम्बष्टा अम्बर नष्ट मार्गमनो देहि पक्रम आचरम, कहा जल्दी से मुझे रास्ता दो, नोचेत शकुंजरम त्वाद्य नयामी यम सामदनम, अगर तुमने रास्ता नहीं दिया महारथी तो इस हाथी के साथ तुम्हें भी यमलोक में पहुंचा देंगे। नहीं माना मदमस्त हाथी उस तरफ में जब बढ़ा तो गोविंद ने दोनों भुजदंडों को फुलाया और उस हाथी के जो दांत थे सफेद सफेद दांत, उन दोनों दांतों को दोनों हाथों से गोविंद ने पकड़ लिया और 10 कदम उस हाथी को धक्के, इतनी ताकत थी गोविंद में कि 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले उस कुबलया पीड़ा हाथी को 10 कदम पीछे हटा दिया। और उसके बाद में एक झटके से जो ही ऐसे किया, दोनों दांत उनके उखड़ करके गोविंद के हाथ में आ गए, एक बलराम को दे दिया, एक अपने पास में रख लिया। और वो गुस्से में भरा हुआ, रक्त का बमन करती हुई धाराएं बहती हुई हाथी बहुत गुस्सा उठा और कृष्ण की तरफ सूंड मारता हुआ आगे को भगा और कृष्ण और बलराम उस हाथी के नीचे चले गए। और नीचे जाकर के जो उसके वो जो दांत थे ना, उन दांतों से ही ऐसे ऐसे उसके पेट में हॉल करना शुरू किए कृष्ण और बलराम ने। साधु समत्ते न भयाद विवच्छते, भागवत कथा कहती है कि पापी अपने पापों से ही मारा जाता है, उसे भगवान ने नहीं मारा, उसके जो दांत थे उसी से प्राणांत उसका हो गया। बोलो कुबलया पीड़ हंता भगवान की जय हो। कुबलया पीड़ का वध करने के बाद में मेरे कृष्ण और बलराम ने, उन्होंने दोनों ने उन धाती के हाथों को अपने कंधे पर रखा हुआ है ताकि पता लग जाए कि वो मर गया, तुम अपनी तैयारी कर लो। और जो ही कृष्ण और बलराम वहां पर आए तो सभी ने भगवान कृष्ण की ओर नजर डाली। रामचरितमानस में बहुत प्यारा दृश्य उतारा गया है।
श्रीमद भागवत से है। मैं आपको बता रहा हूँ, रामचरितमानस में आधे से ज्यादा तो भागवत ही है।